मैं अनवी हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं दिल्ली से अपने सुपर हीरो को मिलने आई हूँ। So when we boarded the flight, we were very excited that we will be going on shooting today because हम लोगों के लिए भी ये पहली बार ही experience था, not only Anvi, she was excited, she was super excited, we were also super excited. Anvi काफी emotional है, caring daughter है, तो I am very proud कि उसको बाकी सब serials, movies वगैरह इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा सिया के राम सीरियल मतलब और इस तरह का इतनी अटैच्ड हो गई है, एक मिनट का भी ये सीरियल मिस नहीं करती है कभी भी। सीता जी से मिलने के लिए शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वी वेंट शॉपिंग बाइंग न्यू ड्रेसेस कि अनवी को वहाँ सीता जी से मुझे क्या पहनना है। एंड मैंने अनवी से पूछा कि हम क्या दें, तो शी वॉज ओनली कि हम एक कार्ड बनाते हैं बहुत सुंदर सा मम्मा, हम एक कार्ड बनाएंगे सीता जी के लिए। तो वी कलेक्टेड पिक्चर्स ऑफ द शो, हमने उसको असेंबल करके एक लार्ज क्रिएट किया है, हेल्प अनवी इन दैट कि वो प्रॉपर उसको मैनेज कर पाए, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो फर्स्ट सैटरडे जब सिया के राम नहीं आया, शी स्टार्टेड क्राइंग, तो उसको शांत करने के लिए आई टोल्ड हर कि विल राइट अ मेल टू स्टार प्लस कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया और वो आपका शो चला देंगे। आफ्टर टू थ्री डेज आई गॉट अ रिप्लाई, दे विल बी इनवाइटिंग अस फॉर शो, एंड इट वाज लाइक समथिंग दैट ऑब्वियसली वन वुड मिस सच अ चांस। शी वाज एक्साइटेड व्हेन आई टोल्ड हर दैट दे आर कॉलिंग हर, मैंने उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे फोन आया, देन दे वांट टू कॉल अस, तो शी वाज वेरी हैप्पी दैट वी विल बी गोइंग दैट। जब मुझे पता चला कि एक छोटी सी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, तो एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ छोटा सा बच्चा है और वो इतना प्यार करता है कि हमने स्टार प्लस में और सारी टीम ने, हमारी प्रोडक्शन टीम ने डिसाइड किया कि हम उनकी फैमिली को फ्लाई डाउन करवाएंगे अपने पास। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अनवी कब आएगी और मैं उसके साथ अपना पूरा दिन बिताऊंगी। जब हम यहाँ पे आए तो हमें बताया गया दैट आपको सेट्स पे लेके जाएंगे सीता जी से मिलने, तो वी वर सरप्राइज टू नो दैट कि हमें अनवी को सीता जी के गेटअप में लेके जाएंगे। वहाँ पे बचपन के सीता जी के कपड़े थे, वो उनको उसको पहनाए गए, तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी, लाइक जो अर्लियर पोर्ट्रेयल था सीता जी का उसी तरह से बिल्कुल हमें अनवी लगे कि दैट शी इज अ काइंड ऑफ अ प्रिंसेस। Very excited today because I am meeting my favorite Sita ji. It was a very memorable moment for us कि जब अनवी सिया जी से मिली वहाँ पे, जो वो पूरा moment था, it couldn't be, I cannot describe it actually. और अनवी के लिए भी बहुत ज़्यादा happy moment था जब वो सीता जी से sets पे जाके मिली in that attire. हम shoot कर रहे थे set पे और हमने देखा कि भीड़ के बीच में से एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची नन्ही सी चली आ रही है, हमें वो पुराने दिन याद आ गए जब हम छोटी सीता को देखते थे, वैसे ही उसने उन्हीं कपड़ों में वो चली आ रही थी सामने से, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी थी और उसकी मासूम सी स्माइल थी, उसने दूर से भीड़ के अंदर ही खड़े होकर हमें बाहर से वेव किया। इट वॉज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी इतना ऑनेस्ट इमोशन, मेरे लिए ये प्यारा सा फ्रेंडशिप बैंड लेकर आई, बहुत ही स्वीट सा एक जेस्चर किया उसने, तो आई थॉट उसको एक अपनी तरफ से फ्रेंडशिप बैंड दो, जो ब्रेसलेट मैं पहनता हूँ शो के अंदर वो मैंने उसे गिफ्ट किया, करण ने भी किया, लक्ष्मण ने, उसने भी गिफ्ट किया फ्रेंडशिप बैंड। इनफैक्ट इसका बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, सो इसको इस साल क्या गिफ्ट चाहिए, वन ऑफ द गिफ्ट हैज बीन कि मुझे एक बार सिया के राम पे ऐसे शूटिंग देखनी है, एक ड्रीम कम ट्रू हो गया हमारे लिए कि यस जैसे ये चाहती थी दैट हैज कम ट्रू थ्रू स्टार चैनल।